गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 11th और उसके अंदर ग्रामेटिकल क्या क्या आता है। देखो हर साल जो है 11th स्टैंडर्ड जो है उसको हमेशा फोकस किया जाता है 12th के बेस पे, है ना। तो 12th के अंदर ग्रामर बहुत सारा अलग अलग होता है। एंड लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक नया स्टाइलो पेपर दिया गया था 12th के लिए, परंतु हुआ ऐसा कि बोर्ड वालों ने पुराना स्टाइलो पेपर पूछ लिया। सो हमेशा रेडी रहो, बिकॉज आप हो गुजरात में, गुजरात बोर्ड के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। सो यहाँ पर हम जो बेस है गुजराती का, यानी कि जो व्याकरण है, उसका फर्स्ट टेकम यानी कि चैप्टर नंबर 1 है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। व्याकरण लेखन शब्द भंडोल के नाम से बताया गया है, एंड शब्द घड़तर किस तरह से शब्द बनते हैं उसकी छोटी सी हिस्ट्री बताई गई है, जिसे आप सबको बताई है कि गुजराती भाषा, मराठी, हिंदी एंड इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत में से ली गई है। गुजराती के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज संस्कृत से कॉपी किए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमने अपडेट किए हैं, यानी थोड़ा सा गुजराती थोड़ा सा संस्कृत, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमने दूसरी भाषा से इम्पोर्ट किए, लाइक जिसको हम विदेशी भाषा कह सकते हो, प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम देशी कहते हैं, यानी कि बोली के हिसाब से बनते हैं। जैसे गुजराती है तो गुजराती के अंदर अलग अलग प्रकार की बोलियां हैं, सूरती बोली है, फिर मैसाणी बोली है, काठियावाड़ी बोली है, कच्छी बोली है, चरोतरी बोली है। तो देशी बोली के जो शब्द होते हैं हम उसको हमेशा पढ़ते रहते हैं, यदि तड़पदा शब्द के द्वारा, है ना, तो उसको देशी शब्द कहते हैं। फिर विदेशी शब्द, लाइक मैं आपको बोलूं कि भाई रेलवे स्टेशन का गुजराती क्या होगा, तो आप तो यही समझते हो कि रेलवे स्टेशन इज अ गुजराती, पर एक्चुअली इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी शब्द को धीरे धीरे करके हमने अपना लिया है, तो ये विदेशी शब्द हुए, उसको कहते हैं रेलवे स्टेशन को गुजराती में, दैट इज अग्नि रथ विराम स्थल, पर इतना लंबा कौन बोलेगा, हमने शॉर्टकट में उसको ले लिया गया है, दैट इज रेलवे स्टेशन। तो ये विदेशी शब्द हुए। तो काफी सारे हमारे विदेशी, देशी, प्रादेशिक ऐसे शब्द हमने लिए गए हैं। अब यहाँ पर हम ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज शब्द बना पहला तत्सम शब्द। तत मतलब होता है ते, अने सम बोले तो समान, ते समान। संस्कृत में समान रहेला शब्द એટલે કે તત્સમ શબ્દ, મૂળ સંસ્કૃત માં જે સ્વરૂપે વપરાતા હોય તે સ્વરૂપે વપરાતા શબ્દ એટલે કે તત્સમ શબ્દ કહેવામાં આવે છે। તેમાં ક્યારેક બહુ સામાન્ય ફેરફાર થયેલો જોવા મળે છે, જેસે કે જગત પરિષદ, અગર હમ યે સંસ્કૃત કે શબ્દ કો ગુજરાતી મે ઇસ્તેમાલ કરેંગે તો જગત એન્ડ પરિષદ એઝ ઇટ ઇઝ ચલા જા રહા હૈ। उसी तरह से छात्र शब्द, सत्य, चंद्र, सागर, वचन, श्वा, उपवास, शिर, वृक्ष, कवि, मत, पिता, प्रगति, मति, दान, ये जो सारे शब्द है वो संस्कृत के, प्योर संस्कृत के शब्द है, जबकि हम इसको गुजराती में भी इस्तेमाल करते हैं। छात्र को छात्र भी कहते हैं, उसको विद्यार्थी भी कहते हैं, शब्द सत्यम चंद्र, है ना। बस फर्क है कि ये संस्कृत में लिखा है, हम गुजराती में उसको उस हिसाब से लिखते हैं। तो एज इट इज जो कॉपी पेस्ट करते हैं दैट इज तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड टॉपिक इज अ तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है, तत यानी क्या मतलब होता है ते, एन भव मतलब बनेला, उसमें से बने हुए है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। संस्कृत भाषा माथी प्राकृत अन्य अपभ्रंश भाषा द्वारा, यानी कि जैसे जैसे हम बोलते गए उसको सही तरह से हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, तो फिर हमने थोड़ा सा उसके अंदर अपना गुजराती ऐड किया, है ना। जैसे दूध के अंदर थोड़ा सा शक्कर डाला तो दूध और मीठा बन गया, उस तरह से हमने अपनी बोली को संस्कृत में से हमने लिया शब्द, पर थोड़ा सा गुजराती की मिठास डाली, तो ऐसे बन गए हमारे तद्भव शब्द। आप यहाँ पर उसके शब्द देख सकते हो, दैट इज ह सूर्य, तो मतलब होता है सूरज। देखो सु यहां से लिया गया है, थोड़ा सा हमने र भी लिया है जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो हम जो ऐसा थोड़ा हार्ड वर्ड है, जॉइंटिंग वर्ड है ना, तो उसको बोल नहीं पाते, तो वो सूरज करते गए। हस्त हाथ बना, कज्जल काजल बना, पर्ण पान बना, कर्ण कान बना, कुंभकार कुंभार यानी कि पॉटर बना, ध्रुतम यानी घी बना, वधु मतलब बहु, बहु को कहते हैं ना, बालिका बहु वाला आपने देखा होगा। फिर बट्टुक, छोटे बच्चे को हम बट्टुक कहते, उसे हमने बालक या बड़वो बनाया। वट यानी बरगद के पेड़ को वट की जगह हमने वट बना दिया।
हानि मतलब हान नुकसान को कहते हैं। औषध का हमने ओसड़ बनाया। कर्ण काम, कोकिला कोयल, काग मतलब कौवा कागड़ो, दुग्ध दूध मधु मध हनी, उसमें से धू में से हमने उ हटा दिया, मध बनाया। बिड़ाल यानी बिलाड़ो यानी कि बिल्ली, शुगाल शियाल, मक्षिका माखी, पिंड पैंडो, सूची सोई सुई को कहते हैं। दीपवर्ती यानी कि दिवेट यानी बाती को कहते हैं। क्षीर यानी कि खीर को कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफी सारे सिमिलर है, पर हमने उसको गुजराती का थोड़ा सा शक्कर डाल के बढ़िया शब्द बनाया। ना उसके बाद वर्ड बनता है, दैट इज दृश्य शब्द, यानी उसको दृश्य कहते हैं, जिसको हम कहेंगे अपभ्रंश के बाद, उसको हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाया। तो संस्कृत प्राकृत के अपभ्रंश, ये शब्द ने मूल जड़तू नथी, परंतु गुजराती में कोई ते रीते वपराशी शकाय तेवा शब्द ने देशज शब्द कहते हैं, जो हमारे है। लाइक अ पेट, बकरो, ढेफू, डाली, डिंगली, डूंगर, ठूठू, रोड़ू, ठोबड़ू, धानी एंड पोदड़ो। ये पोदड़ो क्या होता है ना, जो गाय भैंस की गोबर होता है, इसको पोदड़ो कहते हैं। धानी हम पॉपकॉर्न के कहते हैं। ठोबरू मतलब जो ऐसी चीज जो हम ज्यादातर खेलने में इस्तेमाल करते हैं, वो डिब्बा, तो जो इधर से उधर घूमता रहता है। रोड़ो बीच में हर्डल को कहते हैं। ठूठू जो आधा कटा हुआ रहता है पेड़ या लकड़ा, उसको ठूठू कहते हैं। डूंगर छोटा सा माउंटेन हिल को कहते हैं। तो भारत भूमि के ऊपर हजारों वर्षों से अनेक प्रकार की प्रजाएं आई और यहाँ पर स्थिर हो गई, हम सबके साथ मिलती रही, और इसके द्वारा हमने दृश्य यानी देश शब्द लिए। इसको हम आर्योत्तर शब्द भी कहते हैं। ये बहुत सी बार स्कूल के अंदर पूछा गया शब्द है, खास अंडरलाइन करिएगा, दैट इज आर्योत्तर शब्द। ना उसके बाद क्या है, जिसको मैंने बोला पर प्रांतीय शब्द। पर प्रांतीय क्या होता है, तो यहाँ पर है कि अर्वाचीन भारतीय भाषा में गुजराती में वपरायेला घना बदा शब्दों छे, पण भारत में जुदा जुदा राज्यों के अंदर, लाइक महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी हमारे बाजू में, उस दूसरों के साथ भी हम कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में आए, और कुछ उसके शब्द भी हमें अच्छे लगने लगे, लाइक मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी शब्द भी अच्छे लगने, तो वो भी हमने धीरे धीरे करके स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज ऐसा लगता है कि अच्छा ये मराठी शब्द है, पर हम उसको इतना अच्छी तरह से गुजराती में इन्वॉल्व कर लिया है। लाइक आप देखो यहाँ पर कि मराठी शब्द दैट इज चळवळ, पर आज हम उसको इजिली गुजराती में इस्तेमाल करते हैं। वाटाघाट यानी कम्युनिकेशन करना, निदान मतलब सॉल्यूशन लाना, निमणूक करना अपॉइंट करना, पंतुजी सामान्य इंसान, एंड ताबड़तो यानी कि बहुत फटाफट। तो ये सारे मराठी शब्द है, पर हमने उसको ऐसा गुजराती में यूज किया कि पता ही नहीं चल रहा है कि मराठी शब्द है ना। उसी तरह से बंगाली शब्द है, बंगाली शब्द दैट इज बाबू, महाशय, श्रीयुत एंड बानी, ये कुछ हमारे पास बंगाली शब्द है। तो हमने दूसरे स्टेट के द्वारा, दूसरे राज्य के अंदर भी कम्युनिकेट करके उसके शब्द भी हमने अपने भाषा में गुजराती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहेंगे हम विदेशी शब्द यानी कि दूसरे देश से आए हैं, लाइक अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, ऐसे शब्द। ये खासकर आपको पूछा जाता है कि ऐसे शब्द कहाँ से आए, है ना। तो जो विदेश से आए हैं उसको विदेशी शब्द कहते हैं, परदेश से आए हैं, जैसे अरबी फारसी शब्द यहाँ पर है, दैट इज जमीन, दरियो, दवा, खबर, मांगी, खूबी, रुमाल, गुलाब, दोस्त, वगैरह, बराबर, कारकुन, जरूर, आबादी, दस्तावेज, खरीद, गुमास्तो, तवंगर, तंदुरुस्ती, जिल्लो, तालुको, इलाको, कानून, इंसाफ, फरमान, किल्लो, महल, मीनारो, बुरज, ये सारे जो हमारे हैं, दैट इज अरबी फारसी फारसी शब्द है, एंड फारसी मार्फते ही अरबी शब्द बने हैं, बस थोड़ी बहुत मात्रा का चेंजेस होता है। लाइक यहाँ पर देखो फारसी शब्द है, आवाज, अंजीर, आबाद, फौजदार, मामलदार, अदालत, जल्दी, सही, पर्दो, वीमो, लगाम, तबियत, अनामत, अफवाह, आबेहू। आप देख सकते हो ज्यादातर जो कायदेकीय भाषा होती है, जिसको हम कहते हैं लॉयर की भाषा, वहां पर ज्यादातर इन सब के वर्ड ज्यादा यूज हम करते हैं, है ना। तो ये हुए हमारे फारसी अरबी शब्द पहले, एंड फारसी शब्द। नाउ हम चले चले जाते हैं, दैट इज अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश शब्द को, और उसको हमने इतना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लिया है कि आज हमें खुद भूल चुके हैं कि हमारा एक्चुअली गुजराती शब्द क्या हो सकता है। लाइक टेबल, स्टेशन, टिकट, रेल, ऑफिस, डॉक्टर, बैंक, हॉल, होटल, रेडियो, फोटो, कोर्ट, सोनेट, 14 लाइन की काव्य, है ना,
इंग्लिश शब्द है सोनेट, आपको पता था है ना, ट्रेजेडी, आइसक्रीम, एल्बम, इंजन, टिफिन, क्रिकेट, पॉलिश, पॉलिस, मीटिंग, रिपोर्ट, सोसाइटी, सर्जन, स्लीपर, वॉचमैन, स्कूल, बस, सर्टिफिकेट, टॉपर, हैंडल, पिक्चर, डिग्री, नोटिस, चेक, जेल, ब्लाउज, रजिस्टर, यूनिवर्सिटी, लिस्ट, लॉन, सेक्रेटरी, ब्रेड एंड बोर्डिंग। ये इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, पर हमने उसको इतना अच्छी तरह से गुजराती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अब तो समझ लो कि अंग्रेजी वालों को भी डाउट होगा कि ये यार हमारा शब्द है कि गुजराती वालों का है ना। सो हमने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो ये हमारी बात हुई थी सारी बात, दैट इज शब्द भंडोल के बारे में। अब हम बात करेंगे शब्द किस तरह से डेवलप होते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं शब्द घड़तर के बारे में। पर नाउ आपके मन में ये हमेशा डाउट रहता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शब्द घड़तर, शब्द कैसे बनते हैं, है ना। तो गुजराती में शब्द भंडोल ना अलग अलग भाषा शब्द से हमें पता तो चला किस तरह से अलग अलग भाषा से हमारे अलग अलग शब्द बने। नाउ यहाँ पर देखो, गरीब एक विशेषण है, पर अगर हमें उसको पीछे ई लगा देता हूं, प्रत्यय लगा देता हूं, तो वर्ड बनेगा गरीबी। तो ये हमारा गरीबी शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है, संज्ञा बोले तो नाउन, ठीक है, तो फिलिंग वर्ड्स बन जाता है। उसी तरह से पाप एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, पर उसके पीछे पी लगा देता हूं तो पापी बन जाता है, उसका विशेषण बन जाता है। देखो तो भाववाचक में से हम विशेषण बनाते हैं, विशेषण में से हम भाववाचक बनाते हैं, तो सिर्फ ई लगा देने से विशेषण में से भाववाचक बन गया। देखो ऊपर गरीब विशेषण था, पर उसमें ई लगाया तो हमने गरीबी, ये हमने भाववाचक संज्ञा बना दिया। अब पाप एक भाववाचक संज्ञा था, पर उसके ई लगा दिया तो पापी एक विशेषण बन गया। तो कुछ ऐसे हमारे शब्द किस तरह से घड़तर बनते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। टुकमा अलग अलग प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय मतलब होता है पीछे के साइड में कंजक्शन लगाने का, तो उसके द्वारा कैसे कैसे वर्ड बनते हैं वो यहाँ पर हमें समझना है। देखते हैं, यहाँ पर वर्ड आया है दैट इज ई एन आई, सफेद का ई लगाया सफेदी, सफेद एक विशेषण था पर भाववाचक सफेदी बन गया। कारीगर जातिवाचक, मतलब सारे के सारे जो लोग काम करते हैं उसको कारीगर कहते हैं, यानी कि सारे के सारे, पर महेंद्र कारीगर, तो महेंद्र एक व्यक्तिवाचक हुआ पर कारीगर एक जातिवाचक हुआ। महेंद्र शिक्षक, तो महेंद्र संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक हुआ पर शिक्षक एक जातिवाचक हुआ, ये याद रखिएगा। तो कारीगर एक जातिवाचक संज्ञा है, उसको ई लगा दूंगा तो बनेगा कारीगरी भाववाचक संज्ञा। चोर जातिवाचक है, ई लगाया तो चोरी भाववाचक संज्ञा बन गया। बिहार संज्ञा है, यानी कि एक प्लेस जगह का नाम है, स्थलवाचक संज्ञा, इसमें ई लगा दिया तो बिहारी हो गया, उसका विशेषण। फौज समूहवाचक है, पर उसमें ई लगाया तो फौजी विशेषण बन गया। मंद एक संज्ञा है, पर ई लगाया तो मंदी संज्ञा बन गया। संज्ञा का संज्ञा ही रहा, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया, ये दोनों याद रखेगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये पूछेंगे। दलाल संज्ञा है, दलाली भी संज्ञा है ना, ये दोनों ज्यादातर पूछते हैं। नव प्रत्यय दूसरा आया कौन सा है, दैट इज अण आण, दूसरा है अणि अणु, वापिस से अण आण अणि अणु, ठीक है। तो देखते हैं, गुथ का अण लगाए गुथण संज्ञा, जम जमण, भर भरण, सम समजण, अण लगा वहां पर है ना। माग मागण, पोष पोषण, चाल चालणी, काप कापणी, चाल चालणु, दल दलणु, टूकु टूकान। उसी तरह से इधर देखते हैं, पहरण, जो हम गंजी पहनते हैं ना, गंजी उसको पहरण कहते हैं, या कोई भी कपड़े पहनते उसको पहरण कह सकते हो, है ना। जोड़ जोड़ाण, खेड़ खेड़ाण, रोक रोकाण, भंग भंगाण, माप मापणी, कथ कथिनी या नी भी लगा सकते हो। पाथर पाथरणु, रांध रांधणु, लांब लंबाण, पोलू पोलाण। तो इस तरह से हमारा बना अण यानी कि आण, अणी से हमारा अणु बना। उसी तरह से हमारे दूसरे प्रत्यय है, दैट इज त से बनेगा तर, लड़ लड़त, बच बचत, भर भरत, भरना मतलब उसके अंदर डालना, भण भणतर, पढ़ पढ़तर, नड़ नड़तर। अब ऊ से ऊ लेंगे, उसके पर अनुस्वार बिंदी लगेगी, आप देखते हो यहाँ पर अनुस्वार लगा है ना। रखड़ मतलब घूमना, रखड़ू, बोल बोलकू, खेड़ खेड़ू, खाओ खाऊ, खाओ का बनेगा खाऊ है ना। उसी तरह से दूसरा है इक बना, तो उसमें इतिहास ऐतिहासिक, समाज सामाजिक, भूगोल भौगोलिक, अर्थ आर्थिक। अब बनेगा आट नार एंड दार, दैट इज उकड़ाट ककड़ाट, कामदार खानार, जना चौकीदार एंड जमादार। तो
तो बहुत ही इजी हमारे ये सारे शब्द थे, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जो स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, ये जरूर करिएगा और इसके थ्रू आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के अंदर पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपका ये फर्स्ट टेकअप अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पर अगर आपको नहीं आया है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसकी डिटेलिंग दूंगा। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन है फटाफट से आपको अब पूछना।